नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे वीडियो में और मेरे बगीचे में। तो यहाँ पर देख रहे हैं पुटनिया कितने खूबसूरत रंग में ये आए हुए हैं। और एक जोरा की हालत कुछ अभी फिलहाल नाजुक सी लग रही है क्योंकि इसकी डंडियाँ सूखने को हैं। मैं इसके छिलके को हल्का सा हटा करके देखी हूँ तो यहाँ पर छिलका ग्रीन ग्रीन ही है। ये देखिए, इसमें हरियाली अभी है, यानी कि यह मरा नहीं है और इसे हो सकता है कोम्पलें आ जाएं। एयर लेयरिंग से तैयार नींबू के प्लांट पर नई नई कोम्पलें आ चुकी हैं। ये टिकोमा बेहद ज़्यादा खूबसूरत, सुबह सुबह इसके फूल दिखने में लगते हैं। गमले में पौधे ज़्यादा विकास तो नहीं ही कर पाते हैं जमीन की अपेक्षा, लेकिन फिर भी इसके फूल प्यारे हैं। और यहाँ पर गुलाब में जो शकर निकल जाते हैं, मैं उसे काटना भूल गई थी, इसी कारण गुच्छों में ये फूल आए हुए हैं। और इस गुलाब का कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये हल्का रेड कलर का है। और यहाँ पर अजालिया है, अजालिया को ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और इसे गर्मी में बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि इस बार इसके पौधे मर ना जाए। तो फरवरी मौसम में बहुत सारे काम हो जाते हैं, गमले की मिट्टियों को चेंज करना, नए बीज को अंकुरित करना और उसे फिर से नए गमले में लगाना, रूट बॉन्ड हुए जितने भी गमले हैं सभी को चेंज करना और नई मिट्टियां डाल करके पौधों को फिर से लगाना। तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, मैं कुछ नहीं अभी तक कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। और जितने भी बड़े पौधे हैं जो रूट बॉन्ड हो चुके हैं, तो मैं उसमें लिक्विड पोषक तत्व ऊपर से डालते रहूँगी। ऑरेंज कलर की टिकोमा के प्लांट पर आए हुए हैं ढेर सारी ब्रांचेज, और जब आप नए ब्रांचेज देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि चलो उम्मीद कायम थी और उम्मीद पर ये पौधा खड़ा उतरा है। नए नए ब्रांचेज देख करके मन प्रफुल्लित हो ही जाता है। यहाँ पर जेड प्लांट का एक मेरे पास पौधा था, इस पौधे को मैं बरगद पेड़ जैसा लुक देना चाहती थी। देखिए, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें नए नए ब्रांचेज फिर से आने शुरू हो चुके हैं। हो सकता है यह एक दो महीने के बाद थोड़ा सा और घना हो जाए, इसका लुक प्रॉपर पेड़ जैसा दिखने लगे। तो कुछ दिनों बाद मैं ट्रे गार्डन बनाऊंगी जिसमें कि इसे कुछ अलग तरीके से उपयोग में लाऊंगी और मैं आपको जानकारी देती जाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूं और किस तरह से इसका उपयोग करने वाली हूं। तो यहां पर नीचे कुछ ग्रास में लगा दी हूं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और मन में पॉजिटिविटी आती है, इसे देख करके अच्छा फील होता है। सुबह का समय है, पर सूर्योदय भी हो चुका है और आशाओं की कोम्पलें की तरह यहाँ पर देखिए लौकी के बीज अंकुरित हो चुके हैं। और इसके दो दिन बाद मैं यहाँ पर करेला और लंबी लौकी के बीज डाली थी जो कि अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं। यहाँ पर ऑरेंज के प्लांट में नए नए से फूल आ चुके हैं और फल कब आते हैं वो भी बताऊँगी। सेम की फलियाँ पर लगे हुए हैं ढेर सारे फूल और आने वाले हैं ढेर सारे इसके फल भी। और मोगरे के मरे हुए पौधों पर यहाँ पर देखिए नए नए ब्रांचेज आ रहे हैं और इसे देख कर के मैं बहुत खुश हो चुकी हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये मर चुके हैं लेकिन अभी तक जीवित हैं। और यहाँ पर देखिए ये बैंगन लगे हुए हैं पौधे में, टमाटर के पौधे पर ढेर सारे टमाटर आए हैं और बहुत सारे फूल भी अभी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर टूटी कुर्सी पर फिर से मैं पालक दे दी थी और वो भी उग आए हैं और टमाटर हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप लगाएं उसका फल दिखने को मिले तो मन को प्रसन्नता तो होती ही है। हरियाली देखिए सुबह के मौसम में कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। एक छोटी सी टोकरी में मैं धनिया के कुछ बीज डाली थी। मैं जब भी कोई बीज डालती हूँ तो उसके नीचे ढेर सारे किचन के वेस्ट भी डालती हूँ, उसी के ऊपर देखिए ये प्रॉपर तरीके से कितने अच्छे तरीके से घने भरे से धनिया के पत्तियाँ आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा घनी घनी और स्वस्थ पौधे आए हुए हैं धनिया के। तो मैं कोई भी पॉट बस इसी तरह फिल करती हूँ, नीचे ढेर सारे किचन वेस्ट, ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, उसके ऊपर बीज, तो नीचे उसका कंपोस्ट भी बन जाता है, पोषक तत्व भी मिट्टी को मिल जाता है, साथ ही फसल भी बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो यहाँ एक दूसरे पॉट में कार्टून का पॉट था, उसमें मैं यहाँ धनिया और पालक डाली हूँ। पालक ये बोरी में है और इसके नीचे भी मैं किचन वेस्ट फूल की थी। तो टूटी टोकरी में यहाँ पर लहसुन भी मैं लगाई हुई हूँ और दूब जो कि मैं पूजा में इस्तेमाल करती हूँ,
इसलिए मैं दूब यहाँ पर लगाई हुई हूँ। कार्टून के बने छोटे से प्लांटर में यहाँ पर धनिया है। मेरी वीडियो में जो भी मैं अपने अनुभव शेयर करती हूँ उसे देखने के लिए, सराहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, और कमेंट पढ़ करके बहुत मुझे खुशी होती है। यूं ही साथ बनाए रखें, स्नेह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।